gonna keep me on a fuck, gotta get turned. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट्स होते हैं, जैसे हमें इंस्टाग्राम पे अलग जाना पड़ता है, सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, फेसबुक पे अलग जाना पड़ता है, ट्विटर पे अलग जाना पड़ता है, तो ऐप कॉन्ग्रीगेट करेगा सब कुछ और मेरे को एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके मैं जितने भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लाइव चैट करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चैट ऑप्शंस हैं, वीडियो ऑप्शंस हैं जो मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने ऐप वालों, जो मेरी ऐप फैमिली है, सिर्फ उनके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो अगर मैं फेसबुक पे नहीं डालना चाहती, दुनिया के लिए इंस्टा पे नहीं डालना चाहती, तो इट्स ओनली फॉर माय क्लोज नेट, फॉर माय ऐप, जो लोग मेरे ऐप पे मेरे साथ हैं सिर्फ उन्हीं को मैं वीडियोज़ भेज सकती हूँ कि आज मैंने ये पहना है, दिस इज़ व्हाट. सो दैट्स रियली अमेजिंग बिकॉज इट्स नॉट ओपन टू द वर्ल्ड, इट्स ओनली फॉर दोज पीपल जिन्होंने वो एफर्ट किया है, वो ऐप को डाउनलोड किया है और वो मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल. सो लाइव वील हैव पब्लिक डिमांड, वील हैव जैम सेशंस. सो द आइडिया इज गोना बी दैट जितने भी लोग उस ऐप पे होंगे उनको बहुत सारी एक्सक्लूसिव ऐसी फुटेज देखने को मिलेगी जो आप प्लीज पहले गेस्ट को करिए, मैं तो यही साथ में बार बार दिन ये आए तुम जियो. भाई क्या देखो, आज बर्थडे तो डेफिनेटली बर्थडे गर्ल का जो एक जो बर्थडे गर्ल का एक जो मोमेंट होता है वो आज इनका सबसे स्पेशल है, इसलिए आज उन्होंने इतनी स्पेशल चीज़ की है कि अपना ऐप भी साथ में लॉन्च करें. तो हम फैमिली हैं और हर जगह इनके साथ, इनके आसपास ही होते हैं, तो आज का दिन हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है. उनको भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि खुशबू के ऐप पे दे गोना हैव मीद्रोज एज वेल, एंड यू नेवर नो, वेरी सून देयर माइट बी अ सरप्राइज कि मीद्रोज भी अपना ऐप लॉन्च करें. सो ये काम चल रहा है ऑलरेडी ऐप के ऊपर और लॉन्च करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो बहुत सारे ऐसे गाना सुनना चाहते हैं जो हम फिल्मों में नहीं देते, जो हमारे पास रहते हैं. तो हम उन ऐप में वो सारा म्यूज़िक होगा जो लोगों को फिल्मों में सुनने को नहीं मिलता, और बड़ा डिफरेंट म्यूज़िक होगा क्योंकि वो किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की डिमांड से बना हुआ म्यूज़िक नहीं होगा, वो हमारे दिल से बना हुआ म्यूज़िक होगा. इनका बर्थडे तो हमेशा चलता रहता है, ये हमारी सबसे पैम्पर्ड बच्ची है, शी इज़ लाइक द मोस्ट स्पॉइल्ड एंड द पैम्पर्ड ऑफ अस ऑल. So pampered by all these, yes, my Mumbai family. So it's almost like her birthday every day. हम उतना ही प्यार इन्हें रोज देते हैं, आज या कल में कोई फर्क नहीं है. ये सच है और मैं गवाह हूँ इस बात की. Exactly. But app के लिए I think it's a superb idea. I wasn't really aware कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं. I recently heard about it और suddenly पता चला कि खुशबू का अपना app आ रहा है. I think people are going to really enjoy this because she is someone जिसे लोग बार बार देखते हैं. Apart from her यू नो जो स्टेज पे होती है, उसके अलावा भी लोग इन्हें देखना बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है. ये बहुत ही मज़ेदार एंटरटेनिंग इंसान है, बहुत लविंग वॉर्म है. सो आई एम श्योर पीपल वुड रियली लाइक टू कनेक्ट विद हर थ्रू दैट ऐप. वुड बी द राइट वर्ड, यस, नौटंकी वुड बी द करेक्ट वर्ड. ये ऐप का नाम एक्चुअली नौटंकी खुशबू ग्रेवाल होना चाहिए था. प्लीज, हम पंजाबी हैं, इट इज इन आवर ब्लड, वी लव टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, इजंट इट राइट. इसको अब आप नौटंकी का नाम दे दो या फुल ऑफ लाइफ का नाम दे दो, दैट्स टोटली अप. मुझे लगता है इनके ऐप पे म्यूजिक से ज्यादा तो खाने पीने की बात ज्यादा होने वाली ये है. ये बात सही है. हाँ, और वो मेरी चंडीगढ़ की बहुत पुरानी दोस्त है, चंडीगढ़ की इतनी का उसने नाम इतना रोशन कर दिया है. शी इज़ वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली, शी हैज़ अ परफेक्ट फैमिली, शी हैज़ एन अमेजिंग हस्बैंड, शी हैज़ अ ग्रेट लाइफ, व्हाट एल्स कैन आई विश फॉर. बस मैं सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ कि शी जस्ट कीप्स लाफिंग ऑलवेज. यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनफैक्ट नॉट मेनी पीपल हैव दिस काइंड ऑफ थिंग. सो मैंने तो सुन के मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो एंड लुक एट द ऐप. तो मैं उसके सामने डाउनलोड करूँगा. All I just want to say is Khushbu, keep smiling always, keep laughing always. Happy birthday. I think सबसे पहले of course we've you know I have her on Snapchat, so I've been seeing पूरे app के सारे updates. So first of all we're gonna go and sing for her because obviously it's gonna be a very musical birthday. We're very excited to be here. वो खुद भी singer है, तो हम उनके साथ of course happy birthday तो गाएंगे. But it's so amazing that a singer today has her own app. Yeah. I think it's so cool and just wish her all the best with it. We should have an app together. We should have an app together. I think it's a very cool idea. किसी की भी life एक app में document करना, especially a singer's life, क्योंकि बहुत कुछ you know singers को करने को मिलता है, औरों को देखने को मिलता है ये. I think it's amazing for fans because सारा back stage exposure, on stage, whatever we do, our recordings, everything documented and together. And I think today fans really want to know कि किसकी life में क्या चल रहा है, उनके songs कैसे record होते हैं, बाहर कैसे आते हैं, उनका interaction, their day-to-day schedules. Everybody is really interested in their life apart from just music. So I think this is a great idea. And yeah, wish her all the best with it. And happy birthday, belated birthday. Happy birthday, Khushboo. If you see this, lots of love, and we've known you for so many years. For her? You're wearing pink lips. Pink lips. Pink
pink lips, pink lips, pink lips, pink lips, pink lips. I know you, woman. I think she's really beautiful. You should just sing your song. Yeah. Yeah. Okay, you fine. Know? I'm just gonna sing this, and this goes very well with the lady because she's so beautiful. So and she's an actual ladki, beautiful. Yeah. So. Definitely. So Khushbu, lots of love. Happy birthday to you, and I want to dedicate this song just for you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.